हांगकांग के टूरिस्ट वीजे जो कि फैमिली का वीजाज हैं और दो वीजाज रिसेंटली इशू हुए जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये मदर और सन का वीज़ा था जो कि रिसेंटली हमारा इशू हुए दो वीजाज, एक मेरी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों हाथों में आप मेरे वीजाज देख रहे हैं। और इनके एक फैमिली मेंबर थे, इनका बेटा था वहाँ पे हांगकांग में, और गुज़िश्ता तकरीबन 12 साल से ये हांगकांग जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने काफ़ी दफ़ा वीज़ा भी अप्लाई किया था और वीज़ा ना लगने के सबब से ये जा नहीं सके। और जब हमने इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया तो हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया, तो इनका 9 दिसंबर 2023 को वीज़ा जो तकरीबन 1 महीने के बाद इनके दोनों का लग गया था, माँ और बेटे का। और अब ये हांगकांग जो है बहुत जल्द जा रहे हैं, जो उनका बेटा वहां पर हांगकांग में काफी सालों से मौजूद है। अच्छा जी, आज से पहले आज तक मैंने आपको अप्रूवल नहीं दिखाया, जिस तरह के मैं आपको पहले भी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका हूं कि इससे पहले कि हांगकांग वीजा इशू करे वो आपको एक लेटर भेजता है कि हमने आपका वीजा अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद जो है इनकी फीस दी जाती है, और ये मेरे हाथ में दो अप्रूवल आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट, इस पे मेंशन होता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो गया है, आप अम्बेसी की फ़ीस जमा करवाएंगे और उसके बाद वीज़ा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अम्बेसी की फ़ीस इसकी जो है वो 230 हांगकांग डॉलर है, और जैसे ही हम इसकी अम्बेसी की फ़ीस सबमिट करते हैं, इसकी अम्बेसी की फ़ीस पहले नहीं सबमिट करते, वीज़ा अप्रूव होने के बाद करते हैं, जैसे ही फीस सबमिट करते हैं फ़ौरन से हम वीज़ा इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ देखें तो हमने बेशुमार हांगकांग के वीज़ाज लगवाए हैं, और कुछ वीज़ाज ऐसे भी हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सके, फीडबैक नहीं दे सके, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो जैसे ही हमें टाइम मिलता है कोई नए वीज़ा इशू होते हैं तो हम ज़रूर आपको यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर दीगर प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए हांगकांग का वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे, इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसको चाइना एम्बेसी भी डील करती है। अच्छा जी, इसके डॉक्यूमेंट जो आपको देने पड़ेंगे वो आपकी 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट होती है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीर, FRC, आपके बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एंटी एंड टैक्स रिटर्न, चैम्बर का सर्टिफिकेट, या आपके कोई इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप लगा सकते हैं, चैम्बर का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये तमाम तरह आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 माह है, प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लेंथी है। और इसका वीज़ा जो है अगर आप हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर नीचे जो आपको स्क्रीन पर मिल रहा है नंबर, आप काइंडली हमें ऑफिस टाइम पर ही कॉन्टैक्ट किया करें। और अगर आप इंटरनेशनल सब्सक्राइबर हैं, क्लाइंट हैं, तो आप व्हाट्सएप पे जो है वॉइस मैसेज या अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, जैसे ही हम फ्री होंगे आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे एज सून एज पॉसिबल। सो आप हमारे गुज़िश्ता जो वीडियोस को अगर देखें तो हमने बहुत ज़्यादा हांगकांग को वीज़ाज लगाए हैं, और आप कह सकते हैं कि हांगकांग का वीज़ा हासिल करने में आपकी एक्सपर्टीज़ जो अपनी एक्सपर्टीज़ आपको तमाम सर सर्विसज कंसल्टेंसी के तौर पर आपको दे सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसी कंसल्टेंट से काम करवाएं जिसको अमूमन इन चीज़ों का पता होता है, क्योंकि बाद अवकात लोग आपका केस पकड़ते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता और आप पे तजर्बे करते हैं। सो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, गुज़िश्ता वीडियो देखें, बहुत सारे वीज़ाज लगवाए हैं, जिनके रिफ्यूज़ हुए हैं उनके भी वीज़ाज हमने इशू करवाए हैं। सो काइंडली हमें ऑफिस टाइम पर कॉन्टैक्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि अगर आपके अलावा कोई और भी हांगकांग जाने का ख्वाहिशमंद है तो उनका वीज़ा जो है वो इशू हो सके, ग्रांट हो सके और वह आसानी हांगकांग ट्रैवल कर सके। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।